हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। फ्रेंड्स, हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है। इस पेंडेमिक के कारण लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई है, क्योंकि कोई भी हेल्पर नहीं है घर पे, तो समय थोड़ा कम मिल रहा है नॉवल पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज ही आपको सुनाई जाए। तो आज मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक प्यारी सी कहानी द होम कमिंग लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की सेटिंग है, वहाँ के एक गांव की कहानी है। गांव में एक लड़का रहता था, फटिक चक्रवर्ती। वो अपने ग्रुप का लीडर था, बहुत शरारती था। हर दम उसे कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। इस बार भी नदी किनारे पड़े एक भारी पेड़ के तने, जिसे नाव के पाल बांधने वाले खंभे का रूप दिया जाना था, को देखकर उसे ये सूझा कि उस तने को लुढ़काकर अपनी जगह से दूर कर दिया जाए, ताकि जब उसका मालिक आए वो ये देखकर परेशान हो जाए कि वो तना अपनी जगह पर नहीं है। ग्रुप के सभी लड़के मान गए। जैसे ही वो ये काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी फटिक का छोटा भाई माखन वहां आया और उस तने पर बैठ गया। एक लड़के ने उसे वहां से हल्का सा धक्का भी दिया, उठने को भी बोला, पर वो टस से मस नहीं हुआ। फटिक को बड़ा क्रोध आया। वो चीखा कि अभी के अभी इससे उतरो, नहीं तो तुम्हारी बुरी गत कर दूंगा। माखन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब फटिक को एक नई शरारत सूझी। उसने सभी लड़कों को वो तना माखन के बैठे हुए ही लुढ़काने को बोला। माखन ने सुना, पर वो फिर भी नहीं उठा। उन सब ने तने को लुढ़का दिया और तने के साथ माखन भी लुढ़क गया। बाकी लड़के तो खुशी से चिल्लाने लगे, पर फटिक को जरा डर लगा। उसे भान हो चला था कि अब आगे क्या होने वाला है। माखन गुस्से में दौड़ता हुआ फटिक की तरफ गया और उसे पीट दिया और रोते हुए घर की तरफ चला गया। अब फटिक ने खुद को संभाला। तभी एक नाव वहां आ लगी। इसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा और फटिक को पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, पर फटिक ने ठीक से जवाब नहीं दिया। तभी उसके घर से उनका नौकर आया और फटिक को घर पर माँ बुला रही है ऐसा बोला। फटिक नहीं चला तो वो उसे उठा कर ले गया। फटिक चीखता चिल्लाता रहा, पर वो नहीं माना। घर पहुँचते ही माँ ने जवाब तलब शुरू कर दी। माखन अच्छी खासी शिकायत लगा चुका था अब तक। फिर माँ ने फटिक की पिटाई कर दी। उसी वक्त वही आदमी जो नाव से उतरा था वहाँ पर खड़ा था। उसे देखते ही फटिक की माँ ने उनके पैर छुए और पूछा, इतने समय बाद कहाँ से आए? असल में ये फटिक की माँ के बड़े भाई थे, जो उसकी शादी के बाद ही बंबई चले गए थे और अपना व्यवसाय करने लगे। इनका नाम था बिशंबर। कोलकाता लौटते ही अपनी बहन का पता लगाकर यहाँ पहुँच गए थे। बिशंबर जब बंबई ही थे, तब पीछे से फटिक के पिता चल बसे थे। अगले कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी से बीते। फिर बिशंबर ने अपनी बहन से दोनों लड़कों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो उसने माखन की तो तारीफ की और फटिक की शिकायत कर दी कि वो आलसी है और बिल्कुल कहने में नहीं है। ये सुन बिशंबर ने अपनी बहन से पूछा कि क्या वो फटिक को अपने साथ कोलकाता ले जाए, वहाँ उसके बेटों के साथ फटिक भी पढ़ लेगा। फटिक की माँ झट मान गई, पर उसे ये देखकर दुख हुआ कि फटिक बहुत खुश हुआ ये सुनकर। फटिक की माँ को लगातार ये भय सताता रहता था कि फटिक माखन को कुछ नुकसान पहुँचा देगा, इसलिए उसे बड़ी राहत मिली। आखिरकार फटिक कोलकाता पहुँच गया। वहाँ बिशंबर की पत्नी को उनका ये फैसला बिल्कुल नहीं सुहाया। उसके खुद के ही तीन लड़के थे और अब एक और 14 साल के लड़के का घर में आना उसे नागवार गुजरा। फटिक ऐसी उम्र में था कि उसे स्नेह की बहुत आवश्यकता थी, जो उसे यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इस वजह से काफ़ी दुखी रहने लगा फटिक। उसे इस नए घर में घुटन होने लगी। उसे अब अपने गांव की याद सताने लगी। उसे अपने संगी साथी, अपनी मस्तियाँ, अपनी शरारतें, सब कुछ याद आने लगा। सबसे बढ़कर उसे अपनी माँ की याद आने लगी, जो हमेशा उसके साथ भेदभाव करती थी। उसे सबकी याद आने लगी, जैसे संध्या को घर लौटते वक्त एक बछड़ा अपनी माँ को पुकारता है, उसी तरह फटिक का भी मन अपनी माँ को लगातार पुकारे जा रहा था।
पर ये और किसी को समझ नहीं आ रहा था। इधर स्कूल में वो अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि गांव से था, तो अब उसके भाइयों को भी उस पर शर्म आती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने बिशंबर को पूछा कि वो घर कब जा पाएगा, तो जवाब मिला छुट्टियों में, पर छुट्टियां तो अभी बहुत दूर थी। एक दिन फटिक की एक किताब खो गई। किताब के साथ ही उसे पढ़ाई करने में कठिनाई होती थी, किताब के बिना तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोज़ टीचर से छड़ी खाता था। थक के अपनी आंटी से बोला कि उसकी किताब खो गई है। आंटी यानी बिशंबर की पत्नी ने उसे ताने मारते हुए दो टूक जवाब दे दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसी दिन स्कूल से घर लौटते वक्त फटिक को कपकपी छूटी और काफ़ी तेज सिरदर्द हुआ। उसे लगा कि उसे मलेरिया हो गया है शायद। अब उसे डर लगा कि वो अगर बीमार पड़ गया तो आंटी बड़ी नाराज होगी। अगली सुबह वो कहीं भी नहीं दिखा, सब जगह खोजा गया उसे। रात भर बारिश हुई थी और अब भी हो रही थी, वो कहीं नहीं मिला। आखिर बिशंबर को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। रात के समय घर के बाहर पुलिस वैन आकर रुकी और दो कांस्टेबल फटिक को अपनी बाहों में लेकर आए। वो पूरा भीगा हुआ था और बुखार से उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसके पैर कांप रहे थे। बिशंबर ने उसे उठाया और अंदर ले गया। उसे देखते ही बिशंबर की पत्नी बोली, कितना परेशान किया इस लड़के ने, इसे तो घर भेज देना ही सही रहता। फटिक ने ये सुन लिया और ज़ोर से रोकर बोला, अंकल मैं तो अपने घर ही जा रहा था पर ये लोग मुझे फिर पकड़ लाए। बुखार बढ़ गया था, डॉक्टर बुलाया गया। पूरी रात फटिक की हालत बहुत खराब रही, वो अशांत रहा। बीच में छत की तरफ देखते हुए बोला, अंकल छुट्टियां हो गई क्या, अब मैं घर जा सकता हूँ। बिशंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो सारी रात उसका हाथ पकड़े उसके पास बैठा रहा। फिर नींद में ही फटिक चीखा, माँ मुझे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले दिन जरा सी देर के लिए फटिक को होश आया तो उसकी पीड़ा समझते हुए बिशंबर ने उसे कहा, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवा लिया है। दिन निकला, डॉक्टर बोला कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। फिर दिन ढले, फटिक की माँ आ पहुँची। वो होश हवास खो चुकी थी अपने बेटे को इस हालत में देखकर। वो ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। बिशंबर ने उसे शांत करने की कोशिश करी पर वो फटिक को पुकार रही थी, मेरे प्यारे बेटे फटिक। फटिक ने वो आवाज़ सुनी और धीरे से अपना सर हिलाते हुए बिना किसी की तरफ देखते हुए बोला, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। और कहानी खत्म हुई। फ्रेंड्स, गुरुदेव ने कहानी का अंत कुछ क्लियर नहीं किया, हमारी कल्पना पर छोड़ दिया कि फटिक जिंदा रहा या नहीं, पर अपनी माँ को देखकर उसे तृप्ति हो गई कि अब छुट्टियाँ आ गई और वो घर लौटने वाला है। अन्य अर्थ देखें अगर तो उसे घर लौटना था, अपने घर से दूर होकर उसे उसका मोल समझ में आया था। अपनापन और आज़ाद हवा क्या होती है वो यहाँ कोलकाता में भूल ही चुका था और उसके लिए तरस गया था। उसकी माँ भले ही उससे ज़्यादा माखन को प्यार करती हो पर थी तो वो उसकी माँ ही, और उसकी बुरी दशा देखकर उसकी माँ का भी हृदय फट गया था। वो उसे प्रिय फटिक पुकार रही थी, जो सुनने को उसके कान तरस गए थे। सही मायनों में वो अब घर लौटा था। काफ़ी मार्मिक कहानी थी, पढ़ते वक्त मन भारी हो गया। आपको भी अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही YouTube झट से आपको नोटिफाई कर दे। जल्द ही लौटूंगी एक और कहानी लेकर। तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।